तो दोस्तों आज हम घर पे बनाएंगे बाजार जैसे स्पॉन्जी केक बिना कुकर और ओवन के। ब्लेंडर जार पे हमने ले ली है 4 अंडे, 1 कटोरी चीनी और 1 कप हमने ली है कुकिंग ऑयल। इन सभी को हम यहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम ब्लेंड करेंगे। केक बनाने के लिए ब्लेंडर जार का यूज़ किया है, इससे हमारा जो बैटर है वो जल्दी बन जाएगा। बैटर हमारा बनके तैयार है। अब इसको हम एक बॉल पे निकाल लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे हम एक छलनी। हमारा यहाँ पे ली है 1 कटोरी मैदा और यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर ऐड की है। हमारा चम्मच थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच यूज़ किया है। 1 स्पून की मदद से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। एक ही डायरेक्शन पे हमें इसको मिक्स करना है। यहाँ पे हमने ली है 1 कप दूध। दूध को हम धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। दूध आपका ज़्यादा गर्म ना हो, सेमी वार्म दूध आपको यहाँ पे लेना है और इसको एक ही डायरेक्शन पे मिक्स करते जाना है। केक को बेक करने के लिए हमने यहाँ पे केक टिन का यूज़ नहीं किया है, हमने घर में रहने वाले पतीले ही यूज़ किया है और इसके चारों तरफ हमने एक ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल लगा दी है। और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा मैदा। हम छलनी का यूज़ करेंगे यहाँ पे और इसके चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा लगाते जाएंगे। आप यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, हर घर में बटर पेपर नहीं होता इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डाल के आपको दिखा रहे हैं। लीजिए, पतीला हमारा बैटर डालने के लिए तैयार है। अब धीरे धीरे करके हम यहाँ पे बैटर को डालते जाएंगे। सारे बैटर को हम यहाँ पे धीरे धीरे डालते जाएंगे और हल्के हाथों से इसको हम धीरे धीरे डैप कर देंगे। थोड़ा सा डैप कर देने से क्या होगा कि हमारा जो केक में बबल्स आते हैं वो बबल्स नहीं आएंगे। और कढ़ाई को हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम डाल देंगे एक स्टैंड डाल के यहाँ पे डाल देंगे हम हमारा पतीला। अब इसको हम 30 से 40 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। आइए 30 से 40 मिनट बाद हम केक को चेक कर लेते हैं। एक नाइफ की मदद से हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए नाइफ हमारा बिल्कुल साफ निकला है। अब इसको हम निकाल लेंगे। चाकू हम इसके साइड से घुमा लेंगे। पहले ही थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये एकदम आसान तरीके के बाजार जैसे स्पॉन्जी केक हमारा बनके तैयार है।